नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज वन शेयर में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल साइंस फिजिक्स को लेके। इसमें मैंने सभी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के SI यूनिट्स और उसके मान को कवर किया है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या बैंक हो। तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है SI यूनिट्स को लेकर। तो सबसे पहले है लंबाई यानी कि लेंथ, तो उसका SI यूनिट होता है मीटर। द्रव्यमान यानी मास, उसका SI यूनिट होता है KG यानी किलोग्राम। टाइम यानी समय का क्या है यूनिट, सेकेंड। ताप यानी टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका क्या होगा, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा यानी उसका क्या होगा, SI यूनिट मोल। तो ये जो सातों है ये सातों फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि प्राकृतिक रूप से फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद जो भी क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज जितने हैं वो सब डिराइव्ड यूनिट यानी कि इन फंडामेंटल यूनिट से उन्हें बनाया गया है। तो क्या है, सबसे पहले विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसका क्या होगा SI यूनिट, कूलम्ब। दाब यानी प्रेशर, तो उसका SI यूनिट क्या होगा, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उस हिसाब से उसका क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल बोलते हैं। बल यानी फोर्स, तो उसका क्या होगा, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है कार्य यानी वर्क, तो उसका क्या हो जाएगा, जूल यानी न्यूटन मीटर या फिर वाट सेकेंड। और कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग। और बल का क्या होता है CGS मात्रक, डायन। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा यानी एनर्जी, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका भी जूल हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। शक्ति यानी पावर, तो उसका क्या हो जाएगा, वाट। उष्मा यानी हीट, उसका भी जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है चाल यानी स्पीड, तो क्या हो जाएगा, दूरी पर सेकेंड यानी दूरी प्रति समय होगा, यहाँ पे दूरी बटा समय, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वेग यानी वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन प्रति सेकेंड यानी विस्थापन बटा समय, तो मीटर पर सेकेंड। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्या है, मोमेंटम यानी संवेग, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। संवेग का क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड यानी कि MV, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। अगला क्या है, आवेग यानी इम्पल्स, तो उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, उसका क्या होगा, SI यूनिट ओम। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता यानी जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो क्या होगा उसका, ओम मीटर। अगला क्या है, विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब यानी NC। फिर क्या है, विभवांतर या फिर विद्युत विभव यानी कि विभवांतर यानी विभव क्या होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल या फिर वोल्टेज जो होता है उसका SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट। अगला है समतल कोण यानी प्लेन एंगल, तो उसका क्या हो जाएगा, रेडियन। सॉलिड एंगल यानी घन कोण, उसका क्या होगा, स्टेरेडियन। क्षेत्रफल यानी एरिया स्क्वायर मीटर। आयतन यानी वॉल्यूम क्यूब मीटर। घनत्व यानी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगला क्या हो गया, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, तो जूल पर मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर। अगला क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो उसका क्या हो जाएगा, हर्ट्ज यानी पर सेकंड। प्रेरण यानी इंडक्टेंस, तो क्या होगा, हेनरी या फिर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी जो होता है उसका क्या होगा, ऐसा यूनिट, फैराड।
फ्रॉड होगा। अगला क्या है, बैटरी की क्षमता, यानी कोई भी सेल में उसकी क्या क्षमता है, वो हम लोग किस में, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो AH यानी एम्पियर घंटा। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर, इसको हम लोग किस में करते हैं, डायोप्टर उसका ऐसा यूनिट होता है। ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड इंटेंसिटी का क्या होता है, डेसीबेल। तरंग दैर्ध्य की लंबाई, तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ, चाहे वो लाइट वेवलेंथ हो या फिर इलेक्ट्रिक वेवलेंथ हो, तो वो हम लोग किस में करेंगे, एंगस्ट्रॉम में करेंगे। अगला है फ्लक्स घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी, क्या होगा उसका, टेस्ला। वायुमंडलीय दाब यानी कि बार, बार होगा उसका ऐसा यूनिट। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि जूल, यानी कि स्पेसिफिक हीट का क्या होगा, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। अगला क्या है, श्यानता गुणांक यानी कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका क्या होगा, डेका पॉइज या फिर पास्कल सेकंड, या उसको किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी उसका ऐसा यूनिट होगा। अगला क्या है, कंडक्टेंस यानी चालकता, उसका क्या होगा, सीमेंस यानी कि MHO महो, यानी कंडक्टेंस क्या होता है, वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, इसलिए उसका ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा MHO। अगला क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है उसका क्या होगा, सीमेंस पर मीटर। तो ये था हमारे प्रमुख मात्रक, जिसमें लगभग सभी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को मैंने कवर किया है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है कुछ मात्रकों के मान, जैसे कि सबसे पहला है 1 पाउंड, कितना होता है, 453 ग्राम। अगला है 1 पार्सेक, पार्सेक यानी कि पैरालैटिक सेकंड, वो कितना होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। उसके बाद अगला क्या है, 1 फुट, कितना होगा, 12 इंच या फिर 30.48 cm सेंटीमीटर। 1 इंच कितना होगा, 2.54 cm। फिर क्या है, 1 प्रकाश ईयर यानी 1 लाइट ईयर कितना होता है, तो 10^16 meter। 1 न्यूटन यानी 10^5 dyn। 1 bar यानी 10^5 pascal। 1 mil 1.6 kilometer होता है, याद रखिएगा 1 mil कितना होता है, तो 1.6 kilometer होता है। उसके बाद क्या है, 1 electron volt कितना होगा, 1.6 × 10^-19 joule, 10^-19 joule। अगला है 1 coulomb charge कितना होगा, 6 × 10^-19 होता है उसका वैल्यू। 1 joule कितना होता है, 10^-7 erg। अब अगला है गुरुत्वीय नियतांक यानी जो कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम में, उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में कैपिटल जी और स्मॉल जी का मान हमेशा याद रखना पड़ता है। तो स्मॉल जी क्या होता है, वो गुरुत्व त्वरण होता है यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है, उसका मान कितना होता है, 9.8 meter per second square। अगला है 1 liter बराबर कितना होता है, तो 1000 cm³ होता है। 1 अश्व शक्ति यानी 1 horsepower कितना होता है, 746 watt। अगला है 1 fathom कितना होता है, तो 1.6 meter या फिर उसको 6 feet भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 6 feet इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 meter, और 1 fathom इक्वल टू 1.6 meter। 1 watt घंटा यानी 1 watt घंटा कितना होता है, 3600 joule। 1 kilowatt घंटा कितना हो गया, 3.6 × 10^-6 joule। 1 calorie 4.818 joule। 1 electron volt 1.16 × 10^-19 joule। 1 acre कितना होता है, तो 10^4 meter square। 1 barrel 159 liter होता है। 1 carat कितना होता है, तो 200 milligram, 1 carat 200 milligram। 1 liter 1000 cm³। 1 nautical mile कितना हुआ, तो 1.852 kilometer। 1 millisecond कितना हुआ, तो 10^-3 second।
एक माइक्रो सेकेंड कितना हुआ, तो 10^-6 सेकेंड, और एक नैनो सेकेंड कितना हुआ, 10^-9 सेकेंड। तो ये था हमारे कुछ प्रमुख मात्रक जिनका मान मैंने बताया। अब अगला है कुछ घात के बारे में, हम लोग जान लेते हैं कि 10 के जो पावर्स होते हैं वो, तो 10^18 को क्या बोलते हैं, एक्सा, 10^15 को पेटा, 10^12 को टेरा, 10^9 को गीगा या फिर जीगा, 10^6 को मेगा, 10^3 को किलो, 10^2 को हेक्टो और 10^1 को डेका। अगला है 10^-18 अगर रहा तो एटो, 10^-15 को फेमटो, 10^-12 को पीको, 10^-9 को नैनो, 10^-6 को माइक्रो, 10^-3 को मिली, 10^-2 को सेंटी और 10^-1 को डेसी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि फिजिक्स के डिफरेंट SI यूनिट्स और उनके वैल्यूज के ऊपर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो कि GK और GS से ही रिलेटेड है और सब अन्य टॉपिक पे, तो उसे भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।